बीते वर्ष कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसमें फटाका का व्यवसाय करने वाले लोगों की लापरवाहियों से पूरा फटाका बाजार जलकर खाक हो गया था, जिसे सीख लेते हुए अग्निशमन अधिकारियों ने इस वर्ष फटाका बाजारों में जाकर व्यवस्था की बारीकी से जांच की। बढ़ती हुई आगजनी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से दिवाली के मद्देनजर फायर सेफ्टी को लेकर अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने फटाका दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें फायर एंड सेफ्टी के यंत्रों की बारीकी से जांच की गई। ज्यादातर फटाका दुकानों में यह यंत्र काफी पुरानी पद्धति के उपयोग किए जा रहे थे और कुछ दुकानों में यह तो यंत्र सिर्फ दिखावा मात्र साबित हो रहे थे। और तो और कई फटाका दुकानों में भारी अनियमितता भी पाई गई, जिनके मालिकों को अग्निशमन अधिकारी ने समझाइश देकर फायर सेफ्टी के नए उपकरणों को दुकान में रखने, ड्रम में पानी पर्याप्त मात्रा में रखने को कहा। वहीं उन्होंने दुकानदारों को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की, साथ ही फटाका बाजारों में आने वाले ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित करने अग्निशमन अधिकारी ने कहा। और इनको समझाया जाएगी कि क्या क्या जो है पार्किंग सिस्टम यहाँ पे लगाने हैं, जिससे इनकी सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी जो है दोनों रहे। तो आज अभी इनको समझाया दिया गया है कि आपको क्या क्या सिस्टम वहाँ पे 11 बिंदु का कलम में जारी की थी, आज उसके पालन के लिए इनको हमने रिटर्न जारी किया है और उसका सख्त से सख्त जो है पालन करें और एक दो दिन के अंदर हमें कंप्लायंस। अगर पालन नहीं करेंगे सर, किस तरह का पालन अगर नहीं करेंगे इनको सीजिंग की कार्रवाई करेंगे और उसके बाद फिर इनको जेल भेजने का भी प्रावधान है। क्या क्या चेक किया? यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और रेस्क्यू बाल्टी, पानी और वायरिंग इत्यादि को चेक किया गया है कि इनके पास में है कि नहीं है, और जो इनके पास एक्सटिंग्विशर वगैरह भी हैं वो अभी काम लायक हैं कि नहीं है, मतलब लाइव हैं कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें हमने चेक किया। कमी तो देखिए थोड़ी बहुत सबके यहाँ है और इनको उसके लिए निर्देश दे दिया गया है कि आप इसको पालन कर लें, जैसे कहीं किसी का एक्सटिंग्विशर जो है आउट डेटेड है, किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास रेस्क्यू बाल्टी नहीं है, कहीं वायरिंग जो है खुली हुई है, तो इनको हिदायत दी गई है। विगत दो वर्ष फटाका विक्रय करने वाले व्यवसायी भी व्यवसाय नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन दो वर्षों में कोरोना ने अपना कहर बरपाया था, जिसके लिए शासन की गाइडलाइन जारी हुई थी। इस वर्ष स्थितियां पूर्णतः सामान्य हैं और फटाके की बिक्री जोरों पर है। इसे देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि फटाका बाजारों में ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।